कौन ऐसा धर्म आप किए थे जो कि बेटा आपका इतना बड़ा स्टार बन गया? अभी कोई ऐसा धर्म नहीं किया था। अपना मन में संकल्प रखते हैं कि किसी का भलाई करना, किसी का बुराई नहीं होना चाहिए। हम तो ऐसा कुछ नहीं किया सर, हम तो बस माँ भगवती का जपते थे और शिव बाबा को, उसी का जो भी कहना था उसी को हम कहते हैं अभी भी और कह रहे हैं जब से अपना रास्ता धरा है। तुम ही पार लगाइएगा। पर सपना था कि नहीं कुछ होगा तो हम डॉक्टर बनाने के लिए सोचा था। आपका सपना था कि हम डॉक्टर बने। काम क्या क्या करते थे? लोग ये भी बोल रहे हैं वो सब्जी बेचते थे, क्या सच्चाई है? नहीं, सब्जी और नहीं बेचते थे। अच्छा, सब अपना खेती गृहस्थी में कभी काम लग जाता था तो चले जाते थे। क्या चीज का सब्जी बेचते थे? परवल के, आलू के, जितना सब्जी है, भिंडी है। साथियों, अभी हम लखीसराय जिला एक लोदिया गांव में आए हुए हैं और आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे काफी वायरल चल रहा है 100 व्यू। आज उनके घर पे हम मौजूद हैं, उनके माता पिता, गांव के सभी लोग हमारे साथ हैं। सभी से आज हम आपको मिलाते हैं कि सौरभ जी जो हैं आज कैसे सिंगर बने, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल चल रहे हैं, कैसे इतना वायरल वो हो गए हैं, क्या उनका स्ट्रगल रहा, क्या वो करते थे सौरभ जी, कहाँ पे वो गाने के लिए जाते थे, क्या वो पढ़ाई करते थे, उनका क्या था दिनचर्या, इसके बारे में भी हम जानकारियाँ लेने का प्रयास करेंगे। पहले हम उनके माता पिता से मिलवाते हैं हम आपको। थोड़ा सा आप आ जाइएगा जी, थोड़ा सा नाम बता दीजिए सर आप अपना। हमारा नाम बटुली साहब है। अच्छा अच्छा, हम रहने वाला लोदिया का है जी। सौरभ यू आपका बेटा है जी। कैसे चचा वो वायरल हो गया? अभी जो है पूरा जी, जब भी मोबाइल खोला जा रहा है तो उन्हीं का गाना सुना जा रहा है। ये कभी आप जानते थे कि बेटा मेरा? हम तो ऐसा नहीं कभी सोचा था, लेकिन माँ भगवती का कृपा हुआ जो एकाएक अपना मेहनत से चढ़ा और पब्लिक का प्यार से, सब भाई का प्यार से अपना। क्या करते थे सौरभ जी? सौरभ जी तो अभी पढ़ाई कर रहा था और पढ़ते पढ़ते अपना कामों कर रहा था। अच्छा, पढ़ाई कहाँ करते थे सौरभ जी? लखीसराय में कर रहा था। बचपन में वो कहाँ पढ़ते थे? बचपन में एक कोचिंग है यहाँ पंडित जी का, बालू पड़े यहाँ पढ़ता था। तो बालू पड़ से फिर बाजार चले गया पढ़ने के लिए, तो बाजार में पढ़ते। अच्छा, गाँव में भी गान बजान का कभी वो अभ्यास करते थे? कभी कभी चले जाते हैं यहाँ पे, घर में भी हारमोनिया वगैरह बजाते थे वो? हाँ, यहाँ भी हारमोनिया बजाते हैं। अच्छा अच्छा, और अपना क्या तकलीफ किए हैं चाचा उनके लेकर के, थोड़ा सा बताइए। पैसा जब गाना गाने के लिए जाते था कहीं कैसेट वगैरह, तो पैसा आप देते थे? वो अपना मेंशन करते थे? वो अपना मेंशन करते थे। आपको पैसा आप नहीं देते? कुछ नहीं दिया, हमारे पास कुछ है ही नहीं था, हम क्या देता? झगड़ा नहीं करता था आपसे पैसा नहीं देते? हम उसको पूछते थे कभी कोई दिक्कत हो, 1000-2000 का तो देंगे बेटे, ऐसा दिक्कत नहीं, गरीबी तो है। सोचे थे ब्याह शादी के बारे में? सोचे थे अभी उसका कुछ नहीं, अभी नहीं सोचा था। तो कितना उम्र होगा चाचा संतोष? उनका 21-22 में है। 21-22 में? हाँ। कौन बोला सर आपको कि आपके बेटा जो है सिंगर बन गया है? हमारे तो आप सब भाई बोले गांव के। सबसे पहला आदमी कौन बोला था आपको? अभी इतना ध्यान कहाँ है, ध्यान नहीं है सर, ध्यान नहीं है। लेकिन हाँ, जब सब लोग दिखाते हैं बताते हैं कि तुम्हारा लड़का तो बहुत कुछ हो गया, तो हम प्रणाम करते हैं। जो आप सब भाई का दुआ है जो हमारे कुल में गोबर में पदुम फूट रहा है, मालिक का कृपा है। आपका क्या, आप क्या किसानी करते हैं सर? हाँ, हम खेतीबाड़ी करते हैं। पुष्पा कुमारी। कौन लगते हैं सौरभ जी? आप मेरा भाई है। घर से पैसा वैसा नहीं मांगते थे वो, अपना काम करके खुद। क्या और करते थे काम? उनका क्या था? कभी पेंट वाला भी काम कर लेते थे और वही जो सब्जी उब्जी बेचते थे पहले, कुछ 2 महीना तक सब्जी बेचे थे उतना। हाँ, वो अपना खर्चा खुद निकालते थे, घर से 1 रुपया नहीं मांगते थे। आप लोग, आपको कैसे पता चला कि वो वायरल हो गया? हम शुरू ही से पता था कि वायरल होंगे। कोई बताया आपको मोबाइल? कोई नहीं, हम मोबाइल में ही खुद देखे हैं कि वायरल हो गया मेरा भाई। बताइए। मेरा जात है। अच्छा, बड़ा है, चाची है। पता चला है आपको? कौन बोला है आपको कि वो सिंगर बन गया? सिंगर हमको बेटी बोला है कि सौरभ वायरल हो गया, देखिए आपको जात। अच्छा, भगवान से हम मनाया और शिव गुरु से दुरा कि गरीब लोग है, बढ़िया हो गए, जुट गए, तो आगे जाके हम रोड देखते उगते रहते, सुख पर देखते अने सुख रहते, तो हम गिरल हो गिर तो की फायदा है जी। मेरा नाम हुआ अंकज साहब। अच्छा अच्छा, आपका भी भाई है ना? जी, हमारा भाई है। अच्छा, तो आप देखे, कौन आपको बोला था कि वो वायरल हो गया? हम एनी टाइम उसके साथ में रहते हैं और जहाँ तहाँ शूटिंग वगैरह होता है वहाँ जाते हैं साथ में, गान बजान भी कहीं पे होता है जाते हैं साथ में, एनी टाइम हम लोग साथ में। कभी आप सोचे थे कि वायरल हो जाएगा? सोचे थे कभी नहीं, इतना नहीं सोचे थे कि हाथ के लिए पहुँच जाएगा, लेकिन फिर भी आशा था और उम्मीद भी था कि बजेगा। और उसका जो हाथ का हुनर था, गला का सुर था, उस पर हमारा विश्वास था। अच्छा, मैंने जहाँ भी जाते हैं दोनों साथ में जाते? हाँ, हैं। साथ में जाते थे। क्या नाम है छोटू आपका? आयुष जी। कौन लगते हैं आपको सौरभ जी? चाचा। चाचा जी लगते हैं। हाँ। कैसे जाने कि वो वायरल हो गया?
कौन बताया तुमको कि बारह? कैसे पता चला आपको? मोबाइल से। आप मोबाइल में देखे? हाँ। आप अपने से देखे कि कोई बताया? हाँ, अपने से देखे। पढ़ाई करते हो बाबू? हाँ। कौन क्लास में पढ़ते? छठा। गाना भी गाते हो? हाँ। चलो गा दो, ये बोले कौन गाना गा दो? वही जो गाना आप सुने थे, गाओ। नाचे पर तो छड़ी तोरा राइफल के नोक पर न मारी। बढ़िया जिसे गाया था, गाओ। इधर पीछे आप लोग आ जाइए। हाँ, लेके हम बाराती बोला लखीसराय के चौक पर, नाचे पर तो छड़ी तोरा राइफल के नोक पर।